तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है डॉक्टर फिट और मेरा नाम है डॉक्टर नीरज कुलकर्णी। तो आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं एग रेसिपी बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, कार्ब्स है उसमें, फैट्स भी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। तो अंडे में आपको पता है, अगर आप कभी जिम जाते हो और अगर कभी हेल्थ के बारे में या फिटनेस के बारे में आपने कोई वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अंडा या फिर प्रोटीन खाने के कितने बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो अंडा जो है बहुत ही हाई इन प्रोटीन और उसकी कैलोरीज बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन। तो आप अंडे खा सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। तो मैं एक अंडे की एक ईजी रेसिपी और एक टेस्टी रेसिपी बताऊँगा जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। बॉइल्ड एग खाना मुझे पता है बहुत बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। आप स्टार्टिंग में एकदम मोटिवेटेड पुश्ड अप रहते हो तब आप खा सकते हो, 10 अंडे 12 अंडे आप दिन में खा सकते हो, आराम से खाते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक डाल दिया या फिर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया और आपने खा लिया, तो वो स्टार्टिंग में आप खा सकते हो। लेकिन जैसे टाइम बढ़ते जाता है आपको वो बोर होने लगता है और वो चबाना इतना इरिटेटिंग हो जाता है, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रेसिपी बनाई जाए जो कि जिसके लिए आपको कोई टोस्टर की ज़रूरत नहीं, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक पैन चाहिए, गैस तो आपके घर पे होगा ही, और ब्राउन ब्रेड, हल्का सा ऑयल और अंडे, 7 से 8 अंडे आप ले सकते हो इस रेसिपी के लिए। तो मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में बता दूं कि 7 से 8 अंडे पूरे नहीं लेने, उसमें से 2 या 3 होल एग्स लेने, आपके न्यूट्रिशन या फिर आपके गोल के हिसाब से, कैलोरिक डेफिसिट में हो या आप सरप्लस में हो, आपको अगर गेन करना है लूज़ करना है तो उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज एडजस्ट कर सकते हो। मैं जनरली 2 से 3 होल एग्स और बाकी के सारे एग वाइट्स लेता हूँ। तो इससे एक रेसिपी बनाएंगे तड़कती फड़कती और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं जाता हूँ ब्रेड लेकर आता हूँ और ब्रेड लेकर आपसे मिलता हूँ किचन में। मैं निकला था और मैंने देखा कि मेरी बाइक बहुत ही गंदी हो रही है, तो आई जस्ट ब्रॉट माई बाइक फॉर वॉशिंग एंड अब मेरी बाइक एकदम चकाचक बनने वाली है। तो बीरोल देखना, मज़े करना। बाइक इज़ नाउ क्लीन एज न्यू। चलो तो यहाँ पे मैंने 8 अंडे लिए हैं, ये गो का चीज़ है और ये ब्राउन ब्रेड है डेली फ्रेश का, ये है किया का पिरी पिरी मसाला, ये भी मैं यूज़ करूँगा आज। तो सबसे पहले करेंगे गैस चालू, ये मैंने लाइटर लिया और ये गैस कर दिया चालू, पैन रखूंगा इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा डीप जैसा पैन लिया है, मतलब एकदम प्लेन वाला पैन नहीं लिया है, क्योंकि डीप लेंगे ना तो आप ऑयल से ज़्यादा एयर का यूज़ कर सकते हो इसको कुक करने के लिए। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर दूँ ऊपर। अब ये पैन गर्म हो चुका है तो इसमें मैं अपने फोड़े हुए एग्स डाल दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये गैस को स्लो करके फिर इसमें सारा पोर कर दूंगा। ये तीनों के तीनों एग्स, होल एग्स और 5 एग वाइट्स मैंने पोर कर दिए इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगा नमक जो कि टेस्ट लाएगा। तो ये नमक मैंने स्वाद अनुसार इसको ऊपर से बस स्प्रिंकल किया और थोड़ा सा
अब मैं इसमें डालूंगा पीरी पीरी मसाला। तो ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मुझे पसंद है पीरी पीरी इसलिए मैं पीरी पीरी ले रहा हूँ। तो ये डाल दिया मैंने पीरी पीरी मसाला, थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। अब इसे मैं ढक के रख दूंगा, जब तक ये नीचे से छोड़ना चालू ना हो जाए इसको ढक के रख दूंगा, ताकि इसकी जो अंदर की एयर है गर्म वो प्रेशर से वो पक जाए। थोड़ा एक 20 से 30 सेकंड तक मैंने इसको ढक के रखा था, अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मुझे इस पे ब्रेड डालना है मेरा, इसीलिए मैंने इसको खोल दिया है। तो अब ये ब्रेड है, ये स्लाइस, ये मैं इसके ऊपर सीधा ऐसा करूंगा एक बार और फिर उल्टा करके रख दूंगा इसके ऊपर। फिर इसको भी सेम चीज करूंगा, ऐसे रख दूंगा। थोड़ा सा बीच में आ गया लेकिन कोई बात नहीं, इसको ऐसे रख देंगे। तो पिछला वाला जो ऑमलेट सैंडविच था वो मैंने और डैड ने हाफ हाफ खा लिया। एक्चुअली क्या हो गया था, उसमें मैंने चीज़ उल्टे साइड में डाल दिया था तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हाफ हाफ हम लोगों ने खा लिया। तो मैं नया बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और इस बार सिर्फ एग वाइट्स का बनाऊंगा, तो कुछ चेंज नहीं, रेसिपी तो सेम है। बस पिछले वाली प्रोसीजर में मैंने जो बताया था कि चीज़ जहाँ जब डालना है वो चीज़ नहीं डालना है आपको, पहले पलट लेना है फिर चीज़ डालना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये मैं डाल रहा हूँ एग वाइट्स, ये चार एग वाइट्स है और ये डाल दिए मैंने पूरे चार एग वाइट्स। सेम इसमें मसाला और पीरी पीरी डालूंगा मैं, पीरी पीरी मसाला और नमक। तो ये डाल दिया मैंने नमक, नमक से जल्दी पक भी जाता है ये, नमक इम्पोर्टेंट है। नमक डाल दिया, अब थोड़ा सा पीरी पीरी डालेंगे इसके ऊपर। और मैं जो मैक्रोस दूंगा वो पिछली वाली रेसिपी के दूंगा, क्योंकि वो रेसिपी मेन है जो मैं हमेशा खाता हूँ। ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए बनाया और मेरा भी थोड़ा प्रोटीन इंटेक कम हो रहा था तो मैं ये बना रहा हूँ। तो सेम प्रोसीजर ऐसी है लेकिन मैक्रोस मैं उस वाली के दूंगा। तो मैक्रोस अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे आपके, जब तक ये पक रहे हैं मैं आपको उसके मैक्रोस दिखा दूंगा। इसके ऊपर ब्रेड डाल दूंगा मैं, पहले ये डाला एक ब्रेड, ये डाला दूसरा ब्रेड, ये डाल दिया। बस अब इसको ढक देंगे और अभी आप मैक्रोस देख लो इसके। तो ये अभी पकने लगा है, थोड़ा सा हम इसको साइड से निकाल के देखेंगे, अगर निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा, निकल तो रहा है वैसे। ये निकल गया है प्रॉपरली। अब इसको मैं उल्टा करके डाल दूंगा इसके ऊपर। अब ये करना है कि अब इसके ऊपर चीज स्लाइस को ऐड करना है, ताकि आप जब इसको फोल्ड करो तो आप इसको टोस्ट कर पाओ ब्रेड को। मैंने जो किया था अपोजिट साइड पे डाल दिया था तो मैं टोस्ट नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा ऐसे ही खाना पड़ा बिना टोस्ट किए ब्रेड को। अब मैं इसको जब डालूंगा इसके ऊपर तो मैं टोस्ट भी कर पाऊंगा, है ना। तो अब मैं इसको देखूंगा, चीज हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगा। ये अच्छे से पहले सब जगहों से निकाल लूंगा, मैं इसको फोल्ड कर लूंगा ऐसे। जब आपके दो ब्रेड होंगे जब पहले डाला था तो वो दोनों दो स्लाइस ऊपर और दो स्लाइस नीचे ऐसे होंगे,
आप इसको अच्छे से टोस्ट कर सकते हो। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, चीज जो है कितना प्यार से मेल्ट होके बाहर आने लग गया है। तो इसको अभी थोड़ा सा दबाएंगे, इसको एक बार पलट देंगे ऐसे करेंगे। तो ये थोड़ा एक दो मिनट जब आप रख दोगे तो क्रिस्पी हो जाता है बहुत ब्रेड टोस्ट करने के बाद। तो इसको और एक बार पलटेंगे और फिर निकाल देंगे गैस के ऊपर से। तो अब इसको गैस को बंद कर देंगे और मैं इसको प्लेट में निकालूंगा। आपको व्यू दिखाता हूँ प्लेट का। तो ये कुछ है प्लेट मेरा, इसमें मैं इसको निकालूंगा। ऐसे अब इसके साथ थोड़ा सा केचप लेके आप मजे से इसको खा सकते हो। ये टोमेटो केचप है जो मैं यूज करता हूँ, तो ये आप इसके साथ डाल के खा सकते हो। इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती तो ये आप ले सकते हो, टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है इससे, तो ये आप खा सकते हो। इसके मैक्रोस तो मैंने दिखा दिए, तो मुझे लगा कि मैं खाते हुए नहीं दिखा रहा हूँ एक भी रेसिपी। तो ये ख़त्म होने आया है, पहला वाला पीस तो ख़त्म हो गया, ये लास्ट पीस बचा है। तो बहुत ही टेस्टी मील है और बहुत फीलिंग है, मेरा पेट अभी भर गया लेकिन इतना मैं खा रहा हूँ। और मैंने पहले वाले वीडियो में क्या भसड़ मचाई थी, वीडियो में नहीं, पहले वाले जो मैंने बनाया था यही सेम रेसिपी, वो उल्टा चीज़ डालने की वजह से कितनी भसड़ मच गई वो आप में। इसका एक फ़ोटो मैंने निकाला था, उसका फ़ोटो मैं अभी डिस्प्ले पे डाल दूंगा, तो आप देख लो एक बार। तब तक मैं ये फिनिश करता हूँ। बहुत ही टेस्टी मील है। ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपीज़ के लिए और मेरे फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आज नया दिन है तो आज से वर्कआउट वापस चालू करने की सोच रहा हूँ। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग दिस चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो रैदर, और सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। लास्ट प्लीज़।